अपनी गाड़ी और अपने दोस्तों की गाड़ी के लिए बनवाया था। सही से छोटा रोड, छोटा रोड ये फिर से आबाद हो गया। फिर ये रियासत पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिल गई, तो अभी तक यहाँ पे टेस्ट जो ना वो नहीं है, अभी टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है, नहीं मिंगोरा पे टैक्स नहीं है। ये स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी सेल टैक्स वगैरह, सेल टैक्स वगैरह भी नहीं है अभी, ना गार्डों पे है ना बिजली वाले बिल पे, किसी चीज की जो ना हम लोग का टैक्स नहीं, क्योंकि मैं नाम में साल हम लोग का अग्रीमेंट है। वो उसने फिर लिखवाया कि नानी में साल में जो ना मिंगोरा स्वात में जो ना टैक्स नहीं लगी, 100 साल इधर का टैक्स नहीं। वो देखें वो सामने पहाड़ नजर आ रहा है, हमने उधर जाना है, ये आधे घंटे का रास्ता है, आपको उधर बर्फ नजर आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये शहर में जो है ना ये इधर बर्फ नहीं नजर आएगी, लेकिन जैसे हम शहर से बाहर निकलेंगे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको वो सामने पहाड़ों में बर्फ जमी नजर आना बर्फ शुरू हो जाएगी। सैलाब का इब्तिदा वहाँ से हो गया था। अच्छा, तो इधर सैलाब आया था कि पूरा मिंगोरा शहर पे जो है ना उस पे पानी पानी पूरा जो ना वो घरों पे पानी गया था। ये कौन से कब की बात है सर? ये तकरीबन मेरे ख्याल से जो ना ये 15-16 का बात है। अच्छा, जो आसमान से सैलाब आया था? हाँ, नहीं आसमान से, वो पानी का वो कतरा गिरा ना। अच्छा, तो उससे इतना सैलाब आ गया, इतना इससे जो ना उससे जो ना ये सारा जो ना घरे मरे पूरा सब कुछ जगह तबाह कर दिया। अच्छा अच्छा, बड़ा सैलाब था यहाँ पे जो ना ये रोड जाता ना इसमें पूरा पत्थर और चकेड़ ये सब यहाँ पे पड़े। अच्छा, तो इतना वो इतना पानी आया ऊपर, ज्यादा पानी आया था, ये रोड पूरा तबाह कर दिया। अच्छा अच्छा, ये रोड ये जो ना ये अभी जो घर देख रहे हो दोबारा बने गए। अच्छा अच्छा, और नीचे जो ना नीचे जो मिंगोरा शहर पे जो मिंगोरा शहर पे हर गाने घर पे जो ना पानी गया था। अच्छा अच्छा, हाँ बड़ा सैलाब था ना। अच्छा, फिर वो इंदा दिंदा को याद नहीं है, वो जो ना वो और साइड में भी होता था लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से हुआ। 2016 की बात है। हाँ, 15-16 की बात है। नियाज मोहम्मद हमारे भाई हैं, ये मंगोरा में हम इनके मेहमान हैं, तो बहुत ही ये मेहमान नवाज हैं, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं ये मंगोरा की, नियाज अहमद साहब। तो अभी ये हमें लेके जा रहे हैं उधर मरगजार, तो रास्ते में ये व्यू पॉइंट पर हम रुके हैं, बहुत ही खूबसूरत ये व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं। तो थोड़ी देर में मगरब होने वाली है, तो ये भाई बता रहे थे कि वो यहाँ से ऊपर से कुछ पानी आया था और बहुत ज़्यादा सैलाब आया था। और अभी हम इधर पहुँच गए हैं वाइट पैलेस, बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे शॉप वगैरह बनी हुई है, ये काफ़ी पुराना ये दरख्त है आप देख सकते हैं, और ये भी यहाँ पे भी शॉप्स बनी हुई है, मतलब ये बैग्स वगैरह यहाँ पे हैं। मतलब तो यहाँ पे पूरा शॉप है, ये होटल वाइट पैलेस है, बैग की शॉप है। तो अभी आप ऊपर चलते हैं और अंधेरा होने वाला है, ये ट्रेडिशनल कैब्स वगैरह हैं, ये कपड़े वगैरह हैं बच्चों के।
ये अभी हम जा रहे हैं व्हाइट पैलेस पे। और यहाँ पे जनेस के एंट्री होते हैं, ठीक है, 70 रुपए का एक बंदे के अंदर जो है एंट्री रखी हुई है। हाँ, तो उसमें जो है ना अंदर जूस मिलती है। अच्छा अच्छा, ये उनका रसीद है। अच्छा हाँ, अच्छा तो बताओ, ये बात बताइए तो ये जो 70 की टिकट है उसका अंदर जूस वगैरह मिलता है? जूस, कोल्ड ड्रिंक या चाय पिला देते हैं इसमें। अच्छा, ये तो इसमें शामिल होता है, बड़ी अच्छी बात है कि व्हाइट पैलेस है ना, ये टिकट है ना। अच्छा अच्छा, हां 41 का बना हुआ है। अच्छा अच्छा, तो बहुत खूबसूरत। बहुत ही प्यारा व्यू है ये व्हाइट पैलेस का। अभी हम बहुत लेट पहुंचे हैं क्योंकि अभी मगरब होने वाला है, तो न्याज साहब की मेहरबानी है, उन्होंने इतनी प्यारी खूबसूरत जगह हमें दिखाई है। हाँ, हम उनकी न्याज भाई की मेहमान वाज नहीं भूल सकते। जो बहुत ही प्यारा व्यू आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह कल जो है ना आपको मलम जपा दिखाएंगे। हाँ हाँ, बना है ये सर, ये 1941 में ये बना है। 41 में? हाँ। अच्छा, ये वालिद साहब की जगह है, उसका मेहमान हो किया। ये किसने बनवाया था सर? ये वालिद साहब। अच्छा, उसने ये बनाया था। हाँ हाँ, ये अपने मेहमान के लिए। 1300 ये 60 में 1941 उसे हिजरी लिखा हुआ शायद। हाँ, अंदर इसकी पिक्चर वगैरह तस्वीरें वो भी लगी हैं। अच्छा अच्छा, चलो मिलते हैं, वहीं पे मिलते हैं। ऐसा वो उधर आए हैं सामने, ये मस्जिद है सर। ये देख मैं इस सब ये जो टाइल लगे हैं इसका, ये हाँ, मार्बल जो लगे हैं। हाँ, ये जो है ना ये उस टाइम पे जो ना किसी दूसरे ने मार्बल को किसी का पहचान नहीं था। अच्छा, ये बाहर से आए इंग्लैंड से। अच्छा, इंग्लैंड से आया हुआ। अच्छा अच्छा, जितनी भी लगी है। अच्छा, सारी इंग्लैंड से आई है। ये साथ ये क्या है, आबशार है क्या है ये सर? ये साथ आबशार का शोर आप सुन सकते हैं। हाँ, उससे पानी बन के ये आ जाते हैं। अभी पानी आना शुरू हो गया है। हाँ, तो मगरब की अजानें शुरू हो गई हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत है ये व्हाइट पैलेस। ये व्हाइट पैलेस के रूम है, व्हाइट पैलेस का जो है ना ये जो है ये भी साथ बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए ये साथ बच्चों के लिए। हां, डबल बेड है ना। हां, ये एक डबल बेड होता है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। बहुत ही खूबसूरत नया डिजाइन बना हुआ है ये। ये मेरे ख्याल में वॉशरूम है यहां पे। अच्छा, चेक कर ले, ये देखो वॉशरूम भी बहुत प्यारा है। कितना रेंट होता है सर इसका? इसका 4000 रुपया रेंट बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये आग जलाने के लिए? जी हाँ, ये आग जलाने के लिए। ये अगर आपके साथ बच्चे हो तो यहाँ पे बच्चे टीवी है। व्यू है, ये रात का व्यू आप देख सकते हैं व्हाइट पैलेस का। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ये रूम्स वगैरह बने हुए हैं जो आपको मैंने दिखाए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ये कमरे हैं। ये सारे वाइट पत्थर के ये बने हुए हैं सारे टेबल वगैरह। ये सामने मस्जिद है।
ये अभी हम व्हाइट पैलेस के ऊपर जा रहे हैं, ये यहाँ पे नियाज़ भाई है ना, ये काउंटर लगाया है इसलिए। अच्छा, इसमें कमरे भी है ना। अच्छा अच्छा, ये लोग अगर जो आते हैं ना रहने के लिए, हाँ, यानी कि जो रहना चाहे रह सकते हैं। वो सलीमान साहब जो है ना, ये इसका मैनेजर है। अच्छा अच्छा, लाशा दल तराशा सो जो मैं लाशा फल तारूप के खैर दे जो मैं जब ही बदी किसी को मैं मदद किसी लेने और कहीं पर जरा स्टॉप कर दो इस पूरा स्पीच से। तो यहाँ कमरे भी अवेलेबल हैं? अच्छा अच्छा, वो मैनेजर से पूछते हैं ना। अच्छा, ये तस्वीरों के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। इसका नाम था, ये थे क्या करें? यस भी जो ना 27 रूम है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े रूम है यहाँ पे। 27 जो ना, हाँ, 3,500 से लेके 4,000 तक के जो ना उसमें एक रूम देते हैं। अच्छा, इसमें खाना जो भी जो है ना आप करते हो जैसा नीचे और होटल में मिलता है। तो ये कितने रूम है इधर? यस भी 27 रूम है जी। 27 रूम, कितना रेंट होता है सर इधर? तकरीबन होते हैं 3,500 से लेके 4,000-5,000 तक एक रूम देते हैं। जी हाँ। तो ब्रेकफास्ट उसमें शामिल होता है या अलग ब्रेकफास्ट के पैसे? नहीं जी, ब्रेकफास्ट उसका अलग का पैसा। अच्छा, उसका अलग होता है, किचन उसका अलग होता है। अच्छा, किचन अलग है। चले आगे। ये क्लॉक काफी पुराना है, ये वाला छत का कमरा है। अच्छा अच्छा, ये वो जब आता था ना। हाँ, अच्छा, ये वाला कमरा, ये बड़ा रूम है लेकिन इसका चाबी जो है बना उसके पास। ये क्लॉक भी काफी पुराना लगता है ये वाला जो। जी हां, पुराने ही है। ये ओवर काफ़ी पुराना ये क्लॉक आप देख सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर भी इसका बहुत खूबसूरत है। इसमें जो लोग दो टिकट खरीदते हैं ना सर, हाँ, इसमें जो है अगर कोई चाय पीते तो चाय में भी लगा। अच्छा, 70 रुपये। अच्छा हाँ, 70 रुपये एक जूस देते हैं। अच्छा, ये वो बैठने की जगह है? जी हाँ, ये पूरा मेहमानों का डेट है। अच्छा, पुराने दौर के पंखे हैं। जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये इसका जो ये है ना, हाँ, नहीं यहाँ पे भी वो खाना खाते थे पहले। जी, पहले ये कमरा किस, ये मेहमानों के रहता, असल तो ये मेहमानों के रहता ना पहले। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो ना ये लोग तो पहले इस तरह नहीं आते थे। यहाँ बैठ के बताएं थोड़ा सा, बैठ गए। अच्छा नियाज़ भाई, इसके ये कमरे के बारे में बताएं, ये जो लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, पंखे, ये सारे पुराने हैं? पुराने का ये सब पुराने हैं सर, इसका टाइल ये मार्बल जो लगा है ना। हाँ हाँ, ये मार्बल जो है ना, ये पूरा चीज़ है ना वो इंग्लैंड से लेके आया। अच्छा जी हाँ, ये सब जितना ये वाइट कलर में आप जितनी देखते हो ना, हाँ, मार्बल जितनी सब जो भी लगी है ये सब जो है ना वहाँ से बाहर से लेके आए। तो पंखे भी बहुत नायाब हैं, बहुत पुराने पंखे हैं इस तरह के। ये लाइट्स भी उसी दौर की हैं? जी हाँ, ये तो उसी दौर के। ये मेहमान खाना आप कैसे? मेहमान खाना बने। अच्छा अच्छा, मेहमानों के ये एक मेहमान खाना यहाँ भी है और यहाँ वहाँ भी बड़ा हाल भी है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो है ना मिंगोरा लोग भी जो है ना जो कोई यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं ना, तब भी रेंट पे दे देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोग्राम करने के लिए कोई शादी मादी। अच्छा ये इनका लंबा कितना दीवार है? हाँ ये देखो, इतनी मोटी चौड़ाई है, उसको ऊंचाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा,
हाँ ये बहुत चौड़ी है। ये कंटीन है, ये कंटीन है सर, चाय वगैरह यहाँ। हाँ हाँ ये कंटीन है और दूसरा कंटीन उसका ऊपर दो कंटीन रखा है इसने। अच्छा अच्छा एक कंटीन और आगे भी है। अच्छा अच्छा ये भी जन ये भी जनरल। अच्छा 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 मेहमानों के लिए ये भी है। ये जो स्टाइल ये बात ये जो स्टाइल है ये ये जो खिड़की पे लगाया ये इधर ये कल्चर है इधर स्वाद का। ये कल्चर है ये तो ऐसी है ना वो हाँ खूबसूरत है ये वाला। ये अक्सर लोग लगाते हैं इधर गांव में या इधर स्वाद। हाँ नीचे जो वो उसमें लगे रहते हैं। अच्छा अच्छा हाँ यहाँ पे लोग खाना वगैरह खा रहे हैं चाय वगैरह पी रहे हैं और सर्दी काफी है यहाँ पे। ये साइड पे शॉप्स वगैरह बनी हुई है यहाँ पे। सामने आबशार चश्मा चल रहा है। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे दिन के वक्त आना चाहिए, कोई दो चार घंटे यहाँ पे गुजारने चाहिए। ये कैप्स वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये चश्मे का पानी आ रहा है यहाँ पे। ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत देखने वाली जगह है यहाँ पे गोरा पाए तो। ये ऊपर कहाँ रास्ता जाता है सारी होटल के एरिया है जी। वो वहाँ क्या होता बैठ गार्डन है ऊपर। हाँ जी कितना ऊपर है ये बस इसके। अच्छा अच्छा प्यारी शॉप वगैरह बनी हुई है यहाँ पे। ये लकड़ी के बर्तन भी हैं, ज्वेलरी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खूबसूरत ज्वेलरी है यहाँ पे। ये शाले वगैरह हैं। अभी बस अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है तो अभी हम वापसी के लिए रवाना होने लगे हैं। तो अभी हम निकलने लगे वापस मंगोरा के लिए। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये आप मार्केट देख सकते हैं काफ़ी लाइटें जगमगा रही है, काफ़ी रौनक है यहाँ पे। प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया इस ब्लॉग को देखने का। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। शुक्रिया।